ज़बान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू है और ये बात भी यकीनी है कि अभी तक किसी हद में नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सरपरस्ती कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद कर रहे हैं और हमारी तरफ से मुज़ाकरात अमल की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। हुकूमत की तरफ से क्या अहम मुतालिबात किए गए हैं और उनके जवाब में पाकिस्तान से किसी रियायत के बदले आपने क्या मुतालिबात किए हैं? हमारे मुतालबात तो बहुत वाज है और बिलखसूस फाटा इंजमाम का मसला, तमाम मुतालबात में फाटा इंजमाम का मसला हमारे लिए मुहिम और अहम है और इसे हम पीछे नहीं हट सकते। मिस्टर मोहतरम, क्या आप इन मुज़ाकरात जो कि अफगान क़यादत की मेज़बानी यानि सहूलतकारी में हो रहे हैं में फैशरत से मुतमईन हैं? इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात जारी है। इमारत फकत सहूलतकारी या मेज़बानी का किरदार अदा नहीं कर रहा बल्कि वो एक सालिस है। अभी तक कोई अहम पेशरफ नहीं हो सकी, अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी का मुजाहरा करे तो मजीद पेशरफ मुतवक्के है। हम समझते हैं कि आपकी कुछ जंगजुओं या कायदीन को रिहा किया गया है, क्या ये सच है? मेहरबानी फरमा के इसकी कोई तफसीलात बता दें। इसमें हकीकत है कि हमारे कुछ कैदी रिहा हुए हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथियों की गिरफ्तारी का और हमारे साथियों पर चापों का अमल जारी है। उनका ये गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात अमल को मुतासर कर सकता है। अमीर साहब मुख्तरम, क्या यह सच है कि पाकिस्तान आपसे TTP को ख़त्म करने, हथियार डालने और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने के लिए कह रहा है? मुज़ाकरात अमल में मुख्तलिफ नौ मुतालबात सामने आते हैं जो माकूल व मौजून हो उन पर बात की जा सकती है और जो मुतालबात तहरीक के साक व हैसियत को मजरूह करे वो हमें कतान नाकाबिल कबूल है।